आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के सदर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा तुलसीपुर में प्रधान अध्यापिका का दबंगई सामने आया है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर में पढ़े बच्चों ने बताया कि प्रधान अध्यापिका लगभग कई महीनों से हर दो दिन पर हम लोगों से शौचालय साफ करवाती हैं, साथ ही साथ मिट्टी खुदवाती हैं, मिट्टी खुदवाकर दूसरी जगह पटवाती हैं। और बच्चों का ये भी आरोप है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो बद्दी बद्दी गालियों से प्रधान अध्यापिका नवाजती हैं। इस प्रकार से ताने मारे जाते हैं कि गरीब के बच्चे हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अभिभावक ने भी प्रधान अध्यापिका के ऊपर आरोप लगाया कि प्रधान अध्यापिका जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्रधान अध्यापिका के द्वारा उनके साथ घिनौना कृत्य किया जाता है। जब इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी टीचर कृत्य करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 9 भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। अनीता, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं लाइटिंग वाइटिंग में धोते हैं क्या टॉयलेट? अच्छा, पानी की बात है, 4-5 दिन पहले धो रहे थे। हम लोग देखिए, हाँ, आप यहाँ क्या है, रसोईया है? हाँ। काजल शर्मा। काजल, क्या है पूरा मामला? हम लोग से लाइटिंग धुलवाती हैं, हम लोग को मारती हैं, गाली देती हैं और अपने हम लोग अपने से बर्तन धुलते हैं और हम लोग को मैंने के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। घास भी साफ करवाती हैं, नहीं साफ करते हम लोग को धमकाती हैं, हम लोग को पीटेंगे, जाके कहती हैं घर पे जाके मत बताना कि लाइटिंग साफ है। गाली कौन कौन गाली देती है? सुमन मैम बस गाली देती है। सुमन मैम कौन? श्री हेमंत राव है। अच्छा, चलता है ये बात। क्या नाम है उनका बड़ी मैम का? इंदु सिंह। और क्या जय शर्मा, क्या भलो बाबू? हम लोग को मैम गाड़ी देती है और बोलती है अपने घर से खाने ले जाओ, हम लोग वहाँ उधर टॉयलेट करने बैठती है और हम लोग ना माटी खनते हैं, हम लोग लाठी में लाती है, बर्तन वर्तन भी मंजवाते हैं, हम लोग को कभी फोन नहीं मंजवाती है और मारती भी है। कहाँ पढ़ेला? तुलसीपुर में पढ़ला। क्या दिक्कत है तुके पढ़े? हम तो काम करवा जाता है और हम तो ये खेत में जाते हैं, घास साफ किए जाते हैं। तो मैडम गाली वाली भी देती हैं? कौन गाली देती है? तुम लोग करते हो, तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो। आप लोग बताते हैं किसी दूसरे और लेगा पढ़ने में? तीन से बाबू पढ़े ना हमारे। का भल है? और कुछ नहीं, एक बाबू मैं रोवत रहे का नहीं, इन लोग के साथ में चली आई, रोवत रहे तो पकड़ पकड़ के टांग हमने तो पढ़ने के लिए बड़ा ही मजे वाला खाते हैं। अब फिर देंगे गाड़ी में रोवत तो फिर देंगे गाड़ी में, अब बच्चा कमाए मारे लोग, अब जो बेटे को मारे लोग। हाँ, अभी अभी ना ना दिखा मैंने खुद बच्चा है, तीन बच्चा है मारे गाड़ी वाले। जरा खुशी बेटा, कल टॉयलेट कौन धोया था? तुम भी धोते हो? हम लोग पानी भरने इन के लिए जाने के लिए, मतलब इन लोग अपने टॉयलेट जाने के लिए अपने पानी जाते हैं लोग, हम लोग से पानी भराते हैं। बच्चों से लाइटिंग साफ कराया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है और पीटा भी जाता है, इसको लेके क्या कहेंगे? संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी, यदि इस विषय में संबंधित अध्यापक दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी वहाँ अभिभावक रहे हैं जो आरोपों पर आरोप लगाते रहे हैं प्रधान अध्यापक और शिक्षा मित्र को, जाँच कराने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि उसमें कोई भी शिक्षक इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। शिक्षकों का भी आरोप है कि प्रधान अध्यापक और शिक्षा मित्र गाली देती हैं, मारती हैं। वही चीज की आरोप के विरुद्ध जो भी आरोप है सिद्ध होते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।